हेलो फ्रेंड्स, अब इस वीडियो में हम लोग हमारा एक नया सेक्शन देखने वाले, दैट विल बी सेक्शन 18। ओके, हमने अभी अभी हाल फिलहाल में सेक्शन 17 कंप्लीट किया था, दैट वाज ऑफ व्हाट, फ्रॉड। ठीक है, अब हम लोग एक नए सेक्शन की तरफ जा रहे हैं, दैट इज सेक्शन 18 ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन। ठीक है, पहले एक बार आप गौरान तरीके से समझ के लो कि मिसरिप्रेजेंटेशन एग्जैक्टली होता क्या है, तो फिर जाके आपको ये वर्डिंग समझ में आएंगे। ठीक है, तो प्लीज बी फोकस्ड। देखो बच्चों, मिसरिप्रेजेंटेशन किसको बोला जाता है? जब कोई एक पार्टी दूसरे पार्टी को डिसीव तो करती है, हार्म तो पहुंचाती है, ओके, लेकिन इनोसेंटली। इसका मतलब क्या हुआ? जब एक पार्टी का इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं था दूसरे पार्टी को हार्म पहुंचाना, बट फिर भी वो गलत स्टेटमेंट की वजह से, या फिर बोल सकते हैं कोई पर्टिकुलर ऐसा काम करने की वजह से जिसकी वजह से सामने वाले को हार्म पहुंचे, तो अगर ऐसा कुछ हो जाए तो उसको बोला जाएगा मिसरिप्रेजेंटेशन। देखो, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज है। आप अगर फ्रॉड से कंपेयर करोगे मिसरिप्रेजेंटेशन को, तो मिसरिप्रेजेंटेशन आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखो, फ्रॉड में क्या होता है? फ्रॉड में होता है सजेशन एज टू अ फैक्ट विच इज नॉट ट्रू बाय द वन हु बिलीव्स इट टू बी ट्रू। मतलब क्या है? सजेशन कोई ऐसा बंदा दे रहा है जो गलत सजेशन है, और वो भी कौन दे रहा है बताना? जिसको खुद को पता है द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ठीक है, तो उसको आप लोग फ्रॉड बोलते हो। मतलब मुझे पता है कि कोई पर्टिकुलर चीज गलत है, मैं फिर भी आपको बोल रहा हूं कि ये चीज सही है, तो वो बन जाता है फ्रॉड। मिसरिप्रेजेंटेशन में भी कुछ कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन दोनों में फर्क ये है कि आपके मिसरिप्रेजेंटेशन में आपका इंटेंशन सामने वाले को हार्म पहुंचाना तो बिल्कुल नहीं होता, ओके, बट फिर भी इनोसेंटली ही सही, बट आप लोग हार्म तो सामने वाले को पहुंचा ही देते हो, ओके। जैसे एक सीधी सी बात हो, देख लीजिए, अगर मान लो आपकी कोई एक फर्नीचर शॉप है, ठीक है, आपकी कोई एक फर्नीचर शॉप है, और आप उस फर्नीचर शॉप पे बैठे हुए हो, लेकिन आप उस फर्नीचर शॉप पे कब जाते हो? जब आपके लेट से पापा वहां पे ना हो, तब आपको वहां पे जाना पड़ता है, ओके। लेट से पापा खाना खाने चले गए, तो आप उतने टाइम के लिए कहां पे जा रहे हो? उस फर्नीचर की शॉप पे जा रहे हो। तो आप मेरे को एक बात बताओ, क्या आपको हर चीज पता होगी उस शॉप की? जवाब है नहीं। अब होता क्या है, देखो, फर्नीचर में नीलकमल एक अच्छा ब्रांड माना जाता है, ठीक है, तो हुआ ऐसे, नीलकमल के भी दो आपके पास में वैरायटीज है, एक ओरिजिनल वाली, एक डुप्लीकेट वाली। बात समझ में आ रही है आपको? एक ओरिजिनल, एक डुप्लीकेट। अब हुआ क्या, एक कस्टमर आपके पास में आया, ओके, कस्टमर बोलता है कि मुझे नीलकमल की चेयर्स देना, ओके, तो आपने क्या किया, आपने गलती से सामने वाले को वो डुप्लीकेट वाली चेयर्स दे दी, ओके। बंदे ने पूछ लिया, ये पक्का नीलकमल की चेयर्स है ना? तो आपने बोला हाँ, और आपने किया क्या, उसको डुप्लीकेट वाली दे दी, और वो भी कौन से, ओरिजिनल प्राइस पे, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, आपने क्या किया? देखो, नॉर्मली क्या होता है, दो ब्रांड तो होते हैं, दो वैरायटीज तो होती है, ओरिजिनल वाले की ज्यादा लेते हैं, डुप्लीकेट वाले की कम प्राइस लेते हैं, बट आपने क्या कर दिया, आपने उसको डुप्लीकेट वाली चेयर्स दे दी, और पैसे कौन से चार्ज किए, पैसे तो ओरिजिनल के चार्ज किए, ओके। मुझे एक बात बताओ, क्या आपका यहाँ पे इंटेंशन था कि सामने वाले को हार्म पहुंचाना? अब सामने वाले को नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? जवाब है हुआ। क्यों? क्योंकि उसको डुप्लीकेट चेयर्स मिली। हाँ, डुप्लीकेट चेयर्स अगर कम रेट में मिलती तो बात अलग थी, बट आपने क्या किया, डुप्लीकेट चेयर्स दी तो दी, और वो भी ओरिजिनल वाले के रेट्स में दी, ओके। अब सामने वाले को नुकसान तो हुआ, ही हैड डिसीव्ड, उसको नुकसान तो पहुंचा, हम तो पहुंचा, किसकी वजह से पहुंचा? आपकी वजह से पहुंचा। बात समझो, किसकी वजह से पहुंचा है? आपकी वजह से। लेकिन मेरा सवाल ये, क्या आप उस बंदे को, उस कस्टमर को हार्म पहुंचाना चाहते थे? जवाब है नहीं। ये तो क्या हो गया बताना, इनोसेंटली आपसे कुछ तो भी गंदा काम हो गया, ओके, गलत काम आपसे इनोसेंटली हो गया। बात समझ में आ रही है आपको? तो फिर इसको बोला जाता है मिसरिप्रेजेंटेशन। उसने पूछा था नीलकमल की है क्या, आपने बोला हाँ नीलकमल की ही है, बट आपको नहीं पता था कि दो वैरायटीज की चेयर्स आपके पापा ने वहां पर रखी है,
बात समझ में आ रही है आपको? तो फिर इस चीज को क्या बोला जाएगा? मिस रिप्रेजेंटेशन बोला जाएगा। हाँ, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता, आप दुकान पे बैठे हो, आपको पता रहा देर आर टू वैरायटीज, डुप्लीकेट भी है ओरिजिनल भी है, ओके, ओरिजिनल को आप ज्यादा रेट लगाते हो, डुप्लीकेट को कम लगाते हो, इसकी पूरी पक्की इंफॉर्मेशन आपके पास में तो थी। कस्टमर आया, दिखने में ऐसे गावरान दिख रहा था कस्टमर, तो उसने तो आपको पूछा कि भाई नीलकमल की दे दो चेयर, तो आपने उसको जज कर लिया, आपने देखा कि यार इसको कुछ समझ में नहीं आएगा, डुप्लीकेट है कि ओरिजिनल है, तो आपने क्या किया, उसको डुप्लीकेट चेयर ओरिजिनल के भाव में चिपका दी। तो अब जो आपने किया, इट विल बी कॉल्ड एज फ्रॉड। देखो, हो तो वही रहा है, आप अगर पूरा फैक्ट नजर में डालो तो हो तो एक ही चीज रही है, क्या आप उसको डुप्लीकेट चेयर दे रहे हो ओरिजिनल के भाव में, भले ही मिसरिप्रेजेंटेशन हो भले ही फ्रॉड हो, दोनों एग्जांपल्स में आप लोग बंदे को क्या कर रहे हो बताना, डुप्लीकेट चेयर्स दे रहे हो ऑन द ओरिजिनल रेट। लेकिन मैं एक जगह पे मिसरिप्रेजेंटेशन बोल रहा हूँ तो एक जगह पे फ्रॉड बोल रहा हूँ, बात समझ के लेना। मैं कहां मिसरिप्रेजेंटेशन बोल रहा हूँ, जहां आपने गलत काम तो किया, ओके, आपने जो रिप्रेजेंटेशन किया वो गलत तो है, लेकिन आपको नहीं पता कि आप गलत स्टेटमेंट दे रहे हो, बात समझ में आ रही है? आप इनोसेंटली क्या कर रहे हो बताना, गलत काम कर रहे हो। तो जब इनोसेंटली कोई गलत काम किया जाए या फिर कोई हम गलत स्टेटमेंट दे जबकि हमको खुद को नहीं पता कि वो स्टेटमेंट गलत था, तो उसको बोला जाता है मिस रिप्रेजेंटेशन। और फ्रॉड कब बोलेंगे, हमको पता है कि ये गलत है फिर भी हम उसको सही बोल के बता रहे, तो दैट विल बी फ्रॉड, उसको बोला जाएगा फ्रॉड, बात समझ में आ रही है? फ्रॉड डेलिबरेटली होता है, मतलब आप जानबूझ के फ्रॉड करते हो, आपका इंटेंशन होता है सामने वाले को डिसीव करना। लेकिन जब मैं बात करूं मिस रिप्रेजेंटेशन की, तो मिस रिप्रेजेंटेशन में आपका जरा भी इंटेंशन नहीं होता है सामने वाले को हार्म पहुंचाने का, वो तो आपके इनोसेंस की वजह से क्या होता है, सामने वाला नुकसान में आ जाता है, ओके, दिस इज नथिंग बट अ मिस रिप्रेजेंटेशन। तो अगर गावरान लैंग्वेज में इसको मैं पॉइंटराइज करूं तो फिर इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है, Whenever you are doing a suggestion which is not true but you believe it to be true, okay? Suggestion आप दे रहे हो किसी चीज का जो गलत है लेकिन हमको लग रहा है कि वो सही है, okay? तो ये हो जाता है misrepresentation। दूसरी बात, यहाँ पे हम लोग innocently सामने वाले को deceive कर देते हैं और हमको उसका फायदा भी हो जाता है, बात समझो, हम सामने वाले को नुकसान पहुंचा देते हैं और खुद का फायदा करा के ले लेते हो, बट कैसे, इनोसेंटली, मतलब हमारा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं होता कि सामने वाले को नुकसान पहुंचा के खुद का फायदा करा लेना, ये हमारा कतई क्या नहीं होता बताना, हमारा इंटेंशन नहीं होता, तो बात समझना, इसको बोला जाएगा मिसरिप्रेजेंटेशन, ओके। देखो बहुत सीधी सी बात है, मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड में एक ही डिफरेंस आएगा, मिसरिप्रेजेंटेशन आप लोग क्या करते हो बताना है, आप लोग इनोसेंटली कर देते हो जबकि फ्रॉड जो होता है वो डेलिबरेटली होता है, जानबूझ के किया जाता है, इज दैट क्लियर? अब हम लोग यही एग्जांपल को मद्देनजर रखते हुए थोड़ा सा अंदर जाते हैं लैंग्वेज की तरफ। देखो एक बात, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, बहुत सी चीजें ऐसी आएंगी जिसके लैंग्वेज उटपटांग सी है, ये थर्ड यूनिट में बहुत सारी चीजें ऐसी है जैसे फ्रॉड हो गया, मिस प्रेजेंटेशन आ रहा है, तो इनकी लैंग्वेज डेफिनेटली थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी जरूर है, बट आप देखो, आप अगर सिर्फ रट्टा मार रहे हो, मैं बात वापस बोल रहा हूं, आप सिर्फ रट्टा मार रहे हो तो वो याद नहीं होगा, लेकिन जब आप मेरे ये कॉन्सेप्ट मैं जो बता रहा हूं वो समझ के अगर उसमें आप लोग बराबर प्रॉपरली फिर याद करने की कोशिश करोगे, समझ समझ के पढ़ोगे तो वो डेफिनेटली याद होता है, सिर्फ रट्टा मारोगे तो वो ऊपर नीचे आपके सेंटेंस जाएंगे, ये बात आप लोग समझ के लेना। तो लर्न करने की भी एक पद्धत रहेगी, पहली बात तो एक झटके में आपको लर्न नहीं होगा, और ऐसा नहीं होगा कि आपने आज लर्न कर लिया तो आपको पहले का कभी का भी याद आएगा, ऐसा नहीं होता, आपको कंटिन्यूअसली पढ़ना पड़ेगा तो जाके आपकी एक लेवल आएगी, सबसे पहली बात। दूसरी बात, लर्न करते वक्त डोंट मगअप, मगअप कभी मत करना, रट्टा मत मारना, उसको आपको समझ समझ के पढ़ना पड़ेगा। अब जो मैं यहाँ पे लेक्चर ले रहा हूं तो आपके सामने बेटर है मॉड्यूल खोल के बैठो, ओके, मॉड्यूल जब खुला रहेगा तो फिर आप लोग क्या कर सकते हो, ये तो मॉड्यूल की वर्डिंग्स में लिख रहा हूं,
तो मैं जहां पे जो एक्सप्लेनेशन दिख रहा हूं ना, तो आप आपके मॉडल्स में उतना नोट डाउन कर सकते हो। ओके, वहां पे लगा तो आप स्टिकी नोट्स यूज कर सकते हो। स्टिकी नोट्स आप लोग बाजार में जाओगे तो मिल जाएगी आपको। तो वो स्टिकी नोट्स क्या करना है, जहां पे कोई पर्टिकुलर लाइन आई तो यहाँ पे वो पेस्ट कर देना स्टिकी नोट, जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं उस लाइन के लिए वो वहां पे नोट करना। तो उससे फायदा क्या होता है, जो पर्टिकुलर लाइन डिफिकल्ट है उसका एग्जाम्पल अगर सामने रहा तो वो पढ़ने में आसानी होगी। तो ऐसा थोड़ा सा सिस्टमेटिकली आपको करना पड़ेगा। ओके, आई नो वेरी वेल लैंग्वेज इज हैवी होती है इसकी लैंग्वेज लॉ की, लेकिन कुछ कुछ ही चैप्टर्स में, आगे कुछ चैप्टर्स आएंगे जो एकदम सिंपल एंड सोबर होते हैं, जहां लैंग्वेज का कोई इश्यू नहीं आता, समझने में कोई इश्यू नहीं आता, लेकिन जहां पे लैंग्वेज है वहां पे तो आपको वैसे करना ही पड़ेगा। ओके, चलो ध्यान देते हैं, अंदर जाते हैं। क्या लिखा है सेक्शन 18 क्या बोलता है, देयर इज मिसरिप्रेजेंटेशन इफ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, मतलब किसी फैक्ट से रिलेटेड आपने स्टेटमेंट दिया, मतलब कि आपने कोई स्टेटमेंट दिया है सीधे साधे लफ्जों में, मतलब आपने कुछ बोला है विच वॉज फॉल्स, मतलब किसी फैक्ट से रिलेटेड आपने कुछ बोला, स्टेटमेंट दिया जो गलत था। ओके, जो क्या था बताना, गलत था, वुड कॉन्स्टिट्यूट मिसरिप्रेजेंटेशन, वो मिसरिप्रेजेंटेशन बनाएगा। वापिस रिपीट करता हूं, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, मतलब किसी फैक्ट से रिलेटेड आपने कोई स्टेटमेंट दिया, मतलब आपने कुछ बोला विच वॉज फॉल्स, जो गलत था, वुड कॉन्स्टिट्यूट मिसरिप्रेजेंटेशन, वो बनाएगा मिसरिप्रेजेंटेशन इफ द मेकर बिलीव्स इट, मतलब मेकर बोले तो क्या, जिसने स्टेटमेंट दिया, जिसने स्टेटमेंट बनाया, जिसने स्टेटमेंट बोला, तो उसको क्या बोलेंगे, मेकर। मेकर बिलीव्स इट टू बी ट्रू बट विच इज नॉट जस्टिफाइड बाय द इंफॉर्मेशन ही पजेस, बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट विच वॉज फॉल्स, मतलब ऐसा स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट जो गलत था, वो कॉन्स्टिट्यूट मिसरिप्रेजेंटेशन, तो जो आपने गलत स्टेटमेंट बोला वो मिसरिप्रेजेंटेशन बनाएगा, कब बनाएगा, इफ द मेकर बिलीव इट टू बी ट्रू, भाई जो स्टेटमेंट दे रहा है वो बंदा उसको क्या मान रहा है, सही मान रहा है। देखो पूरी लाइन का मतलब क्या निकल रहा है, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट विच इज फॉल्स, मतलब जो आप लोग बोल रहे हो वो गलत है, बट मेकर बिलीव्स इट टू बी ट्रू, लेकिन जो स्टेटमेंट बंदा दे रहा है उसको लग रहा है कि ये स्टेटमेंट तो सही है। बात समझ में आ रही है आपको, जैसे आप लोगों के लिए कोई बंदा आता है आपके फर्नीचर के दुकान पे, शॉप पे, आपको बोलता है मुझे नील कमल की चेयर चाहिए, तो आपने क्या किया, आपने डुप्लीकेट वाली नील कमल तो दे दी, और उसको क्या बोल रहे हो कि ये ओरिजिनल है, उसने पूछा ओरिजिनल है क्या, आपने बोला हाँ ओरिजिनल ही है। तो मुझे एक बात बताओ, ये आपने स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट किया, जब आप बोल रहे हो कि ये ओरिजिनल है तो ये आपका स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट हो रहा है। ओके, तो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट विच वॉज फॉल्स, तो जो आपने बोला वो तो गलत था, आप उसको डुप्लीकेट चेयर दे रहे हो, है ना, तो ये आपने क्या बोला वहां पे कि भाई ये तो ओरिजिनल है, तो आपका स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट विच वॉज फॉल्स, जो गलत था, वो कॉन्स्टिट्यूट मिसरिप्रेजेंटेशन, तो ये गलत स्टेटमेंट तब मिसरिप्रेजेंटेशन बनाएगा इफ द मेकर्स बिलीव इट टू बी ट्रू, जब बोलने वाला इसको सही समझ रहा है, मतलब आप जो उसको बोल रहे हो कि ये ओरिजिनल है तो आप गलत स्टेटमेंट दे रहे हो, लेकिन आप बिलीव कर रहे हो कि ये क्या है बताना, ओरिजिनल ही है, ये मैं जो बोल रहा हूं वो सही ही है, तो ये क्या बनाता है बताना, मिसरिप्रेजेंटेशन बनाएगा, विच इज नॉट जस्टिफाइड बाय द इंफॉर्मेशन ही पजेस, मतलब उसको जो इन्फॉर्मेशन थी उसके हिसाब से वो जस्टिफाइड नहीं था। ओके, जैसे उसके पापा ने दो वैरायटीज की चेयर्स लाई थी, इन्फॉर्मेशन तो उसको थी, मतलब वो चेयर की इन्फॉर्मेशन तो थी कि भाई नील कमल की चेयर ओरिजिनल ही होती है, बट वो जो चेयर दे रहा था तो वो तो डुप्लीकेट थी। ओके, तो जितनी भी उसके पास में इन्फॉर्मेशन थी उसके हिसाब से भी वो गलत निकल रही थी। अब अगर वो सचमुच में ध्यान देता बंदा तो उसको समझ जाता था कि यार डुप्लीकेट और ओरिजिनल में क्या फर्क है। ओके, तो फिर बोलने का मतलब क्या होता है, जब कोई एक पर्टिकुलर बंदा, व्हेन अ पर्सन मेक्स अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, फैक्ट से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट दे विच वॉज फॉल्स, वो गलत था, ये वुड कॉन्स्टिट्यूट मिसरिप्रेजेंटेशन, ये क्या बनाएगा बताना, मिसरिप्रेजेंटेशन बनाएगा, लेकिन कब बनाएगा, इफ द
मेकर बिलीव इट टू बी ट्रू, मतलब जो स्टेटमेंट दे रहा हो उसको लग रहा है कि उसका स्टेटमेंट सही है, तो जाके उसको क्या बोलेंगे बताना, मिस रिप्रेजेंटेशन बोलेंगे। गावरन लैंग्वेज में मैं किसी चीज के बारे में बोल रहा हूं कि ये सही है, बट वो एक्चुअल में चीज तो गलत थी, ओके तो इसको आप लोग क्या बोलने वाले हो, मिस रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, और क्या बोला है, वेयर देयर इज ब्रीच ऑफ ड्यूटी बाय अ पर्सन विदाउट एनी इंटेंशन टू डिसीव विच ब्रिंग्स एन एडवांटेज टू हिम, ओके मतलब क्या हो गया, वेयर देयर इज ब्रीच ऑफ ड्यूटी, ब्रिज बोले तो टूटना, ओके ब्रेक, ब्रिज बोले तो क्या ब्रेक, ब्रीच ऑफ ड्यूटी बाय अ पर्सन मतलब किसी पर्सन ने अपनी ड्यूटी तोड़ी, उसकी ड्यूटी ब्रीच हो गई। जैसे आप लोग शॉप में बैठे हो, ओके तो आपकी ड्यूटी थी, अगर सामने वाला आपको ओरिजिनल नीलकमल चेयर्स मांग रहा था तो आपकी ड्यूटी क्या बन रही थी बताना, उसको ओरिजिनल चेयर्स देना, दिस वॉज योर ड्यूटी। तो आपने भले ही इनोसेंटली हो लेकिन आपने आपने तो आपकी ड्यूटी ब्रीच कर दी। कैसे ब्रीच कर दी, उसको डुप्लीकेट चेयर्स देके आपने आपकी ड्यूटी ब्रीच कर दी, ओके तो फिर बोलने का मतलब क्या हो रहा है, वेयर देयर इज ब्रीच ऑफ ड्यूटी, जब भी ब्रीच ऑफ ड्यूटी होगा बाय अ पर्सन, किसी पर्सन से ब्रीच ऑफ ड्यूटी होती है विदाउट एनी इंटेंशन टू डिसीव, मतलब जब कोई ब्रीच ऑफ ड्यूटी तो कर रहा है लेकिन उसमें कोई उसका इंटेंशन नहीं है टू डिसीव दी अदर पर्सन, मतलब सामने वाले को नुकसान पहुंचाना ये उसका कतई क्या नहीं था बताना, इंटेंशन नहीं था, विदाउट एनी इंटेंशन टू डिसीव विच ब्रिंग्स एन एडवांटेज टू हिम। जब आप ब्रीच ऑफ ड्यूटी कर रहे हो मतलब आपने उसके ओरिजिनल चेयर्स मांगने के भी बाद आप अगर उसको डुप्लीकेट दे रहे हो तो ये तो आपका क्या हो गया, ब्रीच ऑफ ड्यूटी हो गया। लेकिन यहां पे आपका कोई इंटेंशन था क्या सामने वाले को हार्म पहुंचाना, जवाब नहीं। डिसीव का मतलब हार्म पहुंचाना, मतलब सामने वाले को तकलीफ में डालना। तो आपका कोई इंटेंशन था क्या बताना सामने वाले को तकलीफ देने का, तो जवाब है नहीं, हमारा तो कोई इंटेंशन था ही नहीं। लेकिन इससे ये आपके ब्रीच ऑफ ड्यूटी से क्या होता है, ब्रिंग्स टू एन एडवांटेज, मतलब आपको उससे क्या मिल जाएगा, एडवांटेज मिल जाएगा। तो बात सीधी है ना, आपने उसको डुप्लीकेट नीलकमल की चेयर दी और किस प्राइस पे दी, ओरिजिनल के प्राइस पे दी। तो अगर आप ओरिजिनल के प्राइस पे उसको डुप्लीकेट चेयर्स दे रहे हो तो आपको नहीं लगता, आपको पैसा तो ओरिजिनल चेयर्स का आ रहा है और जा कौन से रही है बताना, कम भाव की डुप्लीकेट चेयर्स जा रही है। तो बोलने का मतलब क्या हुआ, तुमको उधर एडवांटेज हो रहा है, ओके आपकी ब्रीच ऑफ ड्यूटी से आपको क्या हो रहा है बताना, एडवांटेज हो रहा है। सोच के देखो, वो बोलता है ओरिजिनल दो बट आप लोग डुप्लीकेट दे रहे हो, ये आपकी ब्रीच ऑफ ड्यूटी हो गई, भले ही आपका इंटेंशन नहीं था उसको डिसीव करने का, आपको खुद को नहीं पता था उसमें डुप्लीकेट और ओरिजिनल वैरायटी आती है, ओके तो आप उसको डुप्लीकेट दे रहे हो तो आपकी ब्रीच ऑफ ड्यूटी हुई, साथो साथ आपका तो कोई इंटेंशन था ही नहीं, विदाउट एनी इंटेंशन टू डिसीव, आपने ये सोचा ही नहीं था कि सामने वाले को नुकसान में डालूंगा। हाँ, लेकिन आप अगर ऐसा सोच के उसको देते तो वो मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं, वो फ्रॉड बन जाता। बट मिस रिप्रेजेंटेशन में हमारा कोई इंटेंशन नहीं होता टू डिसीव दी अदर पर्सन, विदाउट एनी इंटेंशन टू डिसीव, ओके विच ब्रिंग्स एन एडवांटेज टू हिम। इन सब से बंदे को क्या मिल जाता है बताना, एडवांटेज मिल जाता है, फायदा मिल जाता है। तो यही तो तुम्हारा क्या होता है बच्चों, यही तो तुम्हारा होता है मिस रिप्रेजेंटेशन, ओके देखो ये दो पॉइंट्स में आपको क्या क्या समझ में आया। सबसे पहली बात, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट विच वॉज फॉल्स, ओके मतलब आप ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हो जो गलत है, वो कॉन्स्टिट्यूट मिस रिप्रेजेंटेशन। ये मिस रिप्रेजेंटेशन बनाएगा कब, इफ द मेकर बिलीव्स इट टू बी ट्रू, अगर जो बोलने वाला है वो उसको सही समझ रहा होगा तो फिर ये क्या बन जाएगा बताना, मिस रिप्रेजेंटेशन बनेगा। स्टेटमेंट गलत है बट बोलने वाला समझ रहा है कि ये सही है, तो दैट मेक्स व्हाट, मिस रिप्रेजेंटेशन। बट विच इज नॉट जस्टिफाइड बाय द इंफॉर्मेशन, लेकिन जो इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से वो गलत होता है, ठीक है। उसके अंदर और क्या बात देखी हमने, वेयर देयर इज ब्रीच ऑफ ड्यूटी, जब भी ड्यूटी ब्रीच होती है, वेयर देयर इज व्हाट, ब्रीच ऑफ ड्यूटी बाय अ पर्सन विदाउट एनी इंटेंशन टू डिसीव,
मतलब कोई बंदा अपनी ड्यूटी ब्रीच कर रहा है विदाउट एनी इंटेंशन टू डिसीव, मतलब सामने वाले को नुकसान पहुंचाना, ये उसका कतई क्या नहीं था बताना, इंटेंशन नहीं था, बट फिर भी वो सामने वाले को नुकसान तो पहुंचा ही रहा है। ओके, विच ब्रिंग्स एन एडवांटेज टू हिम, जिससे उसको क्या मिलता है बताना, एडवांटेज मिलता है। ये भी आपका क्या बनेगा, मिस रिप्रेजेंटेशन बनेगा। ओके, नीचे और क्या बोले, व्हेन अ पार्टी कॉजेस इवन डन इनोसेंटली, इसका मतलब क्या होता है, पार्टी कॉजेस मतलब पार्टी करती है क्या, इवन दो डन इनोसेंटली, पार्टी करती है इनोसेंटली क्या, द अदर पार्टी टू द एग्रीमेंट टू मेक अ मिस्टेक एज टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब इसमें क्या होता है बताना, एक पार्टी दूसरे पार्टी को कॉज में लाती है या कुछ करने लगाती है, क्या करने लगाती है, मिस्टेक करने लगाती है सब्जेक्ट मैटर का। ओके, लेकिन कैसे बताना, इनोसेंटली, जैसे वही नीलकमल का एग्जांपल, आपने क्या किया, आपने डुप्लीकेट उसको चेयर्स दे दी, तो आपको नहीं लगता कि इनोसेंटली ही सही, आपने उस पार्टी से मिस्टेक करा दी सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। देखो कॉन्ट्रैक्ट काय का था, नीलकमल की ओरिजिनल चेयर्स लेने का, अब आपने उसको डुप्लीकेट चेयर्स दे दी नीलकमल की, भले ही इनोसेंटली दे दी, लेकिन उस सामने वाली पार्टी की तो आपने मिस्टेक करा दी ना कॉन्ट्रैक्ट में, वो पार्टी लेने आ रही थी क्या, वो तो ओरिजिनल चेयर्स लेने आ रही थी, और आपने क्या किया, आपने उसको डुप्लीकेट चेयर्स दे दी, तो जिससे क्या हो रहा है बताना, उसकी मिस्टेक हो रही है सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। अब वो कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे तो वो ओरिजिनल चेयर्स का कॉन्ट्रैक्ट था, बट जब आप उसको डुप्लीकेट चेयर्स देते हो तो वहां पे क्या बन जाएगा बताना, उसका सब्जेक्ट मैटर का मिस्टेक हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये तीन चीजें आपको देखने मिलेगी कहां पे बताना, आपके मिसरिप्रेजेंटेशन में। तो चलो फटाफट हम लोग रिकॉल करते हैं कौन सी तीन बातें। सबसे पहली बात, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट विच वॉज फॉल्स, मतलब जो आप स्टेटमेंट दे रहे हो वो पहली बात तो गलत है, वुड कॉन्स्टिट्यूट मिसरिप्रेजेंटेशन, ये मिसरिप्रेजेंटेशन तब करेगा इफ द मेकर्स बिलीव इट टू बी ट्रू, मतलब जो स्टेटमेंट दे रहा है वो बिलीव करता है कि ये स्टेटमेंट सही है, बट विच इज नॉट जस्टिफाइड बाय द इंफॉर्मेशन ही पजेस, मतलब जो उसके पास में इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से भी वो स्टेटमेंट तो गलत ही था। ओके, उसके बाद वेयर देयर इज ब्रीच ऑफ ड्यूटी, जहां पे ब्रीच ऑफ ड्यूटी होती है बाय अ पर्सन विदाउट इंटेंशन टू डिसीव, मतलब कोई बंदे की ब्रीच ऑफ ड्यूटी होगी लेकिन विदाउट एनी इंटेंशन टू डिसीव, सामने वाले को नुकसान नहीं पहुंचाना था, विच ब्रिंग्स एन एडवांटेज टू हिम, लेकिन उस ब्रीच ऑफ ड्यूटी से बंदे को खुद को क्या मिलता है बताना, एडवांटेज मिलता है। व्हेन अ पार्टी कॉजेस इवन दो डन इनोसेंटली, जब एक पार्टी ऐसा काम कर, द अदर पार्टी टू एग्रीमेंट टू मेक अ मिस्टेक, जो दूसरी पार्टी है कॉन्ट्रैक्ट की उसको मिस्टेक करने लगाती है सब्जेक्ट मैटर का, तो इसको भी क्या बोला जाएगा बताना, मिसरिप्रेजेंटेशन बोला जाएगा। तो मिसरिप्रेजेंटेशन में ये तीनों पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे, दिस ऑल पॉइंट्स आर कवर्ड अंडर व्हाट यूर मिसरिप्रेजेंटेशन, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ओके, तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए, हम लोग और आगे बढ़ेंगे।